सो ही गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल मिस्टर मन्नू गेमिंग। तो भाई कैसे हो आप लोग, आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया रहना। तो गाइस आज मैं आप लोग के लिए एक और न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम लोग बात करने वाले ग्रेनेड फायर से रिलेटेड काफी सारी नई अपडेट्स के बारे में। जैसे कि हम लोग बात करेंगे टुनाइट अपडेट के बारे में, यानी कि भाई आज रात 12 बजे को हमारे बांग्लादेश सर्वर पर कौन से नए इनक्यूबेटर देखने को मिलने वाले। साथ ही गाइस मैं आप लोग को बताऊंगा आखिर हमारी रैम्पेज की गन स्किन फिर से इनक्यूबेटर में कब रिटर्न में देखने को मिलेंगी, और बात करेंगे आप लोग के FFWS लाइव वॉचिंग फ्री रिवार्ड्स के बारे में, यानी कि भाई FFWS में आप लोग को रिडीम कोड से कौन कौन से रिवार्ड्स बिल्कुल ही फ्री में क्लेम करने को मिलेंगे, और बात करेंगे काफी सारे अपकमिंग इवेंट्स के बारे में। तो भाई आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को जरा भी स्किप करते हो तो काफी सारी अपडेट्स मिस कर दोगे। एंड गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है कि भाई अगर आप लोग को मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए हमेशा इसी तरह ग्रेना फ्री फायर से रिलेटेड हर एक छोटी छोटी अपडेट की वीडियो लेकर आता रहता हूं। सो गाइस अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो बिना किसी देरी के हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई बात करें सबसे पहले अपडेट के बारे में, जो कि आप लोग के OB34 अपडेट से रिलेटेड निकल कर आ रही है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, भाई जब भी आप लोग अपने गेम को अपडेट करते हो तो आपके सामने काफी सारे बैनर्स निकल कर आते हैं, वही यहाँ पे बैनर्स निकल कर आ चुके हैं जिनमें आप लोग को हमारा न्यू पेट भी देखने को मिल जाता है। इसी के साथ में गाइस यहाँ पे आप लोग को हमारी M24 की न्यू गन भी देखने को मिल जाती है। तो भाई ये चीजें तो आप लोग को हमारे OB34 अपडेट के बाद ही देखने को मिलेंगी, लेकिन गाइस आप लोग को क्या पता है हमारा न्यू मैप भी आने वाला है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके का मैप निकल कर आ रहा है। एंड मैं आप लोग को बता दूं, ये जो मैप है भाई आप लोग के बर्मुडा रेमेस्टर्ड की तरफ होने वाला है, मतलब कि भाई ये आप लोग का एल्पाइन रेमेस्टर्ड मैप होगा, जो कि भाई फ्री फायर ऑफिशियल की तरफ से निकल कर जा रहा है। मतलब कि भाई OB34 अपडेट के बाद आप लोग को हमारा एल्पाइन मैप भी रेमेस्टर्ड मैप भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम लोग बात करें आप लोग के FFWS रिडीम कोड के बारे में, तो भाई अभी तक हमारे इंडिया सर्वर पर तो नहीं, लेकिन काफी सारे सर्वर ने आप लोग के FFWS रिडीम कोड से मिलने वाले रिवार्ड्स रिवील कर दिए। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे 1.5 लाख की वॉचिंग कंप्लीट करवाने पर कुछ डायमंड रॉयल के एंड वेपन रॉयल के वाउचर के साथ ही क्रेट दिए जा रहे हैं। अगर आप लोग 3 लाख की वॉचिंग कंप्लीट करवा देते तो भाई आप लोग यहाँ पे 3 ग्लोल की स्किन दी जाती है, जिसमें से भाई आप लोग कोई भी एक ग्लोल की स्किन सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये तीनों ग्लोल की स्किन आप लोग को किसी एक टोकन के बदले दी जाएंगी, और वो एक टोकन गाइस आप लोग को रिडीम कोड से मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को एक इमोट भी बिल्कुल ही फ्री में देखने को मिलने वाला है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो FFWS का इमोट है ये भी आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में दिया जाएगा अगर आप लोग 6.5 लाख की वॉचिंग कंप्लीट करवा देते हो। तो भाई देखो ये तो हमारे बाहर के सर्वर के माइलस्टोन निकल कर आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमारे इंडिया सर्वर के लिए आप लोग को कुछ अलग माइलस्टोन देखने को मिल जाए। लेकिन अगर इतना ज्यादा माइलस्टोन रखा गया तो भाई मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट हो पाएगा, क्योंकि ये चीज तो आप लोग भी जानते हैं और ग्रेन वाले भी जानते हैं कि भाई कहीं ना कहीं फिर फायर की ऑडियंस काफी कम हो चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि भाई इतनी ज्यादा ऑडियंस लाइव वॉचिंग पे आ पाएगी। तो एक होप कर सकते हैं कि भाई ग्रेन वाले कम से कम माइलस्टोन ही हमारे इंडियन सर्वर के लिए रखे, बाकी देखते हैं ग्रेन वाले क्या माइलस्टोन हमारे इंडिया सर्वर के लिए लेकर आते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की, जो कि आप लोग एक रिलोड टारगेट डाउन इवेंट के लिए निकल कर आ रही है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारे एक सर्वर पर कुछ इस तरीके का रिलोड टारगेट डाउन इवेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें आप लोग को हमारे हाइपर कोर इवेंट के काफी सारे रिवार्ड्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यार यहाँ पे आप लोग को हाइपर कोर वाला मेल का बंडल दिया गया, वेक्टर की गन स्किन दी गई है, और इसी के साथ में इसका आप ग्रेनाइट की स्किन, USP की स्किन भी देखने को मिल जाती है। तो भाई ये जो रिवार्ड्स है आप लोग को कुछ इस तरीके के रेलो टारगेट डाउन इवेंट में हमारे बांग्लादेश सर्वर पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लीक्स निकल कर आ रही है कि भाई बांग्लादेश सर्वर पर जल्दी रेलो टारगेट डाउन इवेंट देखने को मिलेगा। अब हो सकता है कि भाई ये हाइपर कोर वाले रिवार्ड्स आप लोग को इस तरीके के इवेंट में देखने को मिल जाए, या फिर भाई आप लोग को मोको स्टोर में भी ये रिवार्ड्स नजर आ सकते हैं। बाकी रही बात हमारे इंडिया सर्वर के लिए, तो भाई ये रिवार्ड्स अभी तक हमारे इंडिया सर्वर पर एड नहीं हुए हैं, तो भाई आप लोग को अभी हमारे इंडिया सर्वर पर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन गाइस नेक्स्ट मिनी अपडेट के साथ ही आप लोग को ये रिवार्ड्स भी हमारे इंडिया सर्वर पर कुछ इसी तरीके के इवेंट में नजर आएंगे। तो जैसे ही मुझे नेक्स्ट मिनी अपडेट से रिलेटेड या OB34 से रिलेटेड कोई भी लीक्स मिलती है तो मैं आप लोग को आने वाली वीडियोस में बता ही दूंगा। इसके अलावा इस बांग्लादेश सर्वर वाले प्लेयर्स के लिए एक और लीक्स निकल कर आ रही है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो दो मेल के बंडल दिए गए, ये बंडल भी आप लोग को बहुत जल्दी बांग्लादेश सर्वर पर देखने को मिलेंगे, जबकि हमारे इंडिया सर्वर पर इन बंडल्स को भी नहीं डाला गया। तो भाई ये दोनों बंडल्स दिए गए आप लोग को बहुत ही तगड़े एनिमेशन के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, एंड बहुत ज्यादा लीक्स निकल कर आ रही है कि भाई ये दोनों बंडल जल्दी आप लोग को हमारे बांग्लादेश सर्वर पर लकड़ोल में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को एक एक गन स्किन भी दी गई है, तो भाई हो सकता है इनके अलावा भी आप लोग को कुछ और रिवार्ड्स हमारे लकड़ोल में देखने को मिल जाए, तो ये भी जल्दी हमारे बांग्लादेश सर्वर पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम लोग बात करने वाले आप लोग के नेक्स्ट इंक्यूबेटर बंडल्स के बारे में, जो कि भाई आज रात 12 बजे के बाद हमारे बांग्लादेश सर्वर पर देखने को मिलेंगे, और आने वाले दिनों में हमारे इंडिया सर्वर पर भी ये देखने को मिलेंगे। और बात करेंगे आप लोग की रैम्पेज वाली M10 गन स्किन रिटर्न के बारे में, और कुछ फेडरेबल इवेंट भी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। लेकिन यार उससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरी वीडियो पे बने और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि आप लोग को हमेशा इसी तरह ग्रेना फ्री फायर से रिलेटेड हर एक छोटी से छोटी अपडेट की वीडियोस मिलती रहेंगी, और आप लोग आने वाली कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। इसलिए याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। इसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की, तो भाई जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे इंडिया सर्वर पर एंड बांग्लादेश सर्वर पर दोनों पर ही वेपन रॉयल में M14 की गन स्किन आई हुई है, लेकिन उसके साथ के जो भी मेल और
में मिलकर बंडल थे या ग्लोरल की स्किन थी अभी तक हमारे इंडिया सर्वर पर एंड बांग्लादेश सर्वर पर नहीं डाली गई है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बहुत जल्दी आप लोग को हमारे इंडिया सर्वर पर एंड बांग्लादेश सर्वर पर शिनोबी स्पिन इवेंट में हमारे एक मेल का बंडल एंड ग्लोरल की स्किन देखने को मिलेगी, जिसके बारे में मैंने आप लोग को पहले भी बता रखा है। अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हो या फिर भाई पहले से मेरी वीडियोस देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको पता ही होगा मैंने आप लोग को इस इवेंट के बारे में पहले भी बताया था। तो भाई ये जो इवेंट आप लोग को जल्दी हमारे इंडिया सर्वर पर एंड बांग्लादेश सर्वर पर एक से दो वीक में देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आज हम लोग बात करें आप लोग के नेक्स्ट इंक्यूबेटर बंडल्स के बारे में। तो भाई जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आज रात 12 बजे के बाद हमारे बांग्लादेश सर्वर पर कुछ इस तरीके के मेल के बंडल्स इंक्यूबेटर में देखने को मिलेंगे, जो कि यार बहुत ही ज्यादा ओपी बंडल निकल रहा है। एंड यार जो बंडल्स है आप लोग हमारी पैराफल गन स्किन के थीम पर देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि भाई हर गन स्किन के थीम पर आप लोग यहाँ पे एक बंडल नजर आएगा। तो बहुत ही ओपी ओपी बंडल है जो कि आज रात 12 बजे के बाद हमारे बांग्लादेश सर्वर पर तो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन गाइस बात करें इंडियन सर्वर के बारे में तो ऐसा नहीं है कि भाई ये बंडल्स हमारे इंडियन सर्वर पर नहीं डाले जाएंगे, मतलब कि अभी तो हमारे इंडियन सर्वर पर नेक्स्ट इंक्यूबेटर को आने में लगभग 15 से 20 दिन रह चुके हैं। लेकिन गाइस जैसे ही 15 से 20 दिन खत्म हो जाएंगे तो भाई आप लोग को फिर से एक छोटा सा मिनी अपडेट देखने को मिल सकता है या फिर भाई आप लोग को OB34 का अपडेट देखने को मिल सकता है। अब गाइस हो सकता है हमारे इंडियन सर्वर पर भी ये सारे बंडल्स हमारे गेम में ऐड कर दिए जाए और आप लोग को नेक्स्ट इंक्यूबेटर में देखने को मिल जाए। लेकिन गाइस अगर किसी वजह से आप लोग के गेम में बंडल्स ऐड नहीं किए जाते तो भाई हो सकता है आप लोग को कोई ना कोई ओल्ड इंक्यूबेटर के बंडल्स देखने को मिल जाए या फिर भाई आप लोग हमारी रैम्पेज वाली M10 की गन स्किन भी रिटर्न में देखने को मिल सकती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो। और भाई ये मैं आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि भाई हमारा OB34 अपडेट आएगा तो उसके बाद आप लोग को हमारे रैम्पेज का कोलैबोरेशन इवेंट फिर से देखने को मिल सकता है, क्योंकि यार उनके EO बंडल्स भी यहाँ पे निकल कर आ चुके हैं, यानी कि भाई हमारा फ्री फायर फिर से रैम्पेज के साथ कोलैबोरेशन करने जा रहा है। और हो सकता है कि भाई OB34 अपडेट के बाद आप लोग को रैम्पेज 4.0 फिर से देखने को मिले, यार उस इवेंट में आप लोग हमारे रैम्पेज इवेंट के जो भी ओल्ड आइटम थे फिर से रिटर्न में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में आप लोग हमारी ओल्ड इंक्यूबेटर वाली रैम्पेज की M10 की गन स्किन भी रिटर्न में देखने को मिल सकती है अगर हमारे इंडियन सर्वर पर OB34 का अपडेट लेकर आया जाता है। बाकी यार अगर अपडेट नहीं आता है तो भाई फिर से आप लोग को कोई ना कोई छोटा सा मिनी अपडेट देखने को मिलेगा और उसमें आप लोग के ये जो नए इंक्यूबेटर के बंडल निकल रहा है वो ऐड कर दिए जाएंगे और हमारे इंडिया सर्वर पर भी आप लोग के बंडल्स इंक्यूबेटर में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में गाइस हम लोग बात करें आप लोग के क्रिमिनल बंडल्स रिटर्न के बारे में। तो भाई मैं आप लोग को बता दूं क्रिमिनल बंडल्स इतनी जल्दी तो आप लोग को रिटर्न में नहीं दिए जाएंगे, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया था भाई जब भी हमारा फ्री फायर रिटर्न में आएगा या फिर भाई गरने वाले ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करना चाहेंगे तब आप लोग को हमारे क्रिमिनल बंडल्स रिटर्न में देखने को मिलने वाले हैं। बाकी अभी तक आप लोग के क्रिमिनल बंडल्स को लेकर कोई भी कंफर्म अपडेट्स या कंफर्म लीक्स निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन जैसे मुझे कोई लीक मिलेगी तो मैं आप लोग को आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। इसके बाद मैं आप लोग को दिखा देता हूं हमारा एक आखिरी फेडरल इवेंट, जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं हमारे वियतनाम सर्वर पर एक न्यू फेडरल इवेंट आ चुका है जिसमें आप लोग को वो जर्सी देखने को मिल जाते हैं जो कि भाई हमारे इंडियन सर्वर पर इनवाइट एंड विन वाले इवेंट में बिल्कुल ही फ्री में दी गई थी। और इसी के साथ में गाइस यहां पे आप लोग को और भी काफी सारे पुराने रिवार्ड्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन गाइस यहां पे जो नया इमोट डाला गया है वो आप लोग के ट्रिपल ए कोलैबोरेशन इवेंट का दिया गया है। भाई आप लोग के ट्रिपल ए कोलैबोरेशन इवेंट से रिलेटेड कोई भी लीक्स तो निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन गाइस हो सकता है कि आप लोग को ये वाला इमोट कुछ इसी तरीके के फेडरल इवेंट में हमारे इंडिया सर्वर पर एंड बांग्लादेश सर्वर पर देखने को मिल जाए। लेकिन गाइस हमारे इंडिया सर्वर पर ये वाला इमोट तभी देखने को मिलेगा जब हमारे गेम में ऐड कर दिया जाएगा, अभी तक इस इमोट की फाइल्स हमारे गेम में ऐड नहीं हुई है। तो भाई आज आप लोग के लिए सारी नई नई अपडेट्स निकल कर आ रही थी जो मैंने आपको बता दी। सो होप करता हूं आज की मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। भाई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करते हो तो मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाती है और आप लोग मेरी वीडियो सबसे पहले वॉच कर पाते हैं, इसलिए बेल नोटिफिकेशन को याद से ऑल पे सेट कर लेना। सो गाइस मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा न्यूज एंड अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। Fearless.